क्या शालीन का हो चुका है बिग बॉस के घर में गेम ओवर? क्या टीना, प्रियंका और शिव ने कर दिया है शालीन का पूरा गेम डीकोड? क्या शालीन जो है वो अब बिग बॉस के घर में रहेंगे या फिर कर लेंगे एग्जिट या फिर वॉलंटरी एग्जिट ले लेंगे? और क्यों ये सारे सवाल जो हैं इतने ज़्यादा उठ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, और किस वजह से प्रियंका जो है उनकी दोस्ती जो है वह शिव से बढ़ती हुई दिख रही है, और प्रियंका जो है वो शिव को शालीन का गेम समझा रही है और डीकोड करवा रही है गेम की, ये ऐसा करता है ऐसा करता है, क्या वजह है कि अब प्रियंका जो है वो शालीन के पीछे बढ़ती हुई दिख रही है? आखिर क्या है ये पूरा माजरा? ये आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। तो जिस तरीके से अभी तक शालीन भनोट का गेम बिग बॉस के घर में चला है, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे घर ने उनको ये बात बोली है कि वो फेक लगते हैं। देखो, शालीन का गेम एक्चुअली में पूरी तरीके से एक एंड पर ही पहुंच चुका है। सबसे पहली चीज, शालीन को बिग बॉस के घर में दिखने के लिए कोई तो चाहिए और कोई उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है। टीना ने उनसे मुंह फेर लिया है, प्रियंका उनसे दोस्ती करना नहीं चाहती है, निमृत उनकी दोस्त बनेगी नहीं, और शिव को शालीन पे भरोसा ही नहीं है। तो इसी यही एक वजह हो सकती है कि जब बिग बॉस के घर में, अपने घर प्रोमो देखा होगा, तो शालीन जाकर बिग बॉस के घर में कह रहे हैं, कन्फेशन रूम में कह रहे हैं कि मेरा इस घर में कोई भी नहीं, मेरा हो गया, मेरे को जाना है। तो ये चीज़ें जो है हो सकती है कि बाहर जनता जो अनुमान लगा रही है कि शालीन सौंदर्य अगर आउट हो गए तो उसके बाद बचेंगे शिव, स्टैन, निमृत, अर्चना, प्रियंका, यानी कि सुम्बुल भी आउट होने के चांसेस सुम्बुल के भी ज़्यादा है। सुम्बुल, सौंदर्या और शालीन, ये तीनों जो हैं इनके आउट होने के चांसेस जो हैं बाहर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो एक वीडियो है जो सामने आ रहा है, आप देख सकते हो, जिसमें गेम डिकोड किया जा रहा है शालीन का, प्रियंका बता रही हैं, आप देख सकते हो ये वीडियो है। ये वीडियो में जो है इनका गेम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका कहती हैं कि जब ये अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है, अभी जब ये टीना वॉशरूम जा गए तो इसने मेरे को बताया कि नॉमिनेशन में आया, उसके बाद इनसे बातें करनी शुरू की, और ये सारी बातें जो है जिस तरीके से जो शालीन का गेम प्लान है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इवन टीना को लेकर भी यही बात कहते हैं कि पहले टीना को तो सुम्बुल ने बहुत सिंपली समझा लिया था कि आप पहले लोगों को नॉमिनेशन में डालते हो, उसके बाद आकर उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, प्यार से बातें करके मुद्दा खत्म करने की सोचते हो। और वहीं शालीन के केस में थोड़ा सा अलग है, शालीन ने निमृत को भी भड़काने की कोशिश की, शालीन ने बोला भी ना कि यू कांट सी हु इज योर्स, हु इज सपोर्टिंग यू, और ये सारी चीज़ें निमृत को भड़काने के लिए शालीन खुद करेगी, कि शालीन अब चाहते हैं कि निमृत उनकी सपोर्ट में आए, क्योंकि अब शालीन के साथ किसी की दोस्ती है नहीं, और अगर बिग बॉस के घर में शालीन को दिखना है तो शालीन को किसी ना किसी से दोस्ती करनी पड़ेगी, या फिर कोई ग्रुप तोड़कर उस बंदे को या उस बंदी को अपने साथ लाना पड़ेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शालीन का गेम खत्म हो चुका है पूरा का पूरा? और क्या प्रियंका, टीना और शिव जो है अब दोस्त बन जाएंगे और शालीन का गेम डिकोड करके खत्म कर देंगे? आपका क्या मानना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।